तर्पण करने के लिए आपको काले तिल चाहिए। हमने देखो यहाँ तर्पण किया, ये दीपक जला के रखा, इसमें कपूर और वो डाला, ये देखो कपूर है, इसको ऐसे डाल लें, घी के साथ बत्तियां बना लें। और हमने यहाँ आवाहन किया, ये यमुना किनारे हम बैठे यहाँ करके, ऐसे जल के किनारे कहीं आप करेंगे तो पितर आपके जल्दी, ये गोकुल धाम है, गोकुल धाम का ये यमुना घाट है, यहाँ पर हम ये पितृ तर्पण कर रहे हैं। तो इसके लिए ये देखो इसमें तिल और यमुना जी का जल लिया हमने, पितरों का आवाहन किया, मातृपक्ष के पितृपक्ष के एक एक माला गायत्री जप किया और उनको अर्पण किया। ये हमारे कान्हा जी इसके साक्षी बैठे हैं, ये देखो कि हमने यहाँ पूजा जप किया है और ये खीर का प्रसाद बनाया, अभी बाद में बांट देंगे। और यहाँ हमने इस दोने में खीर, तिल, घी और अब ये कपूर डालेंगे, ये मिश्रित करके हम हवन करेंगे। तो हवन करने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए इसमें हवन करेंगे हम, यहाँ कपूर रख के अग्निदेव को हमने आवाहन किया, अग्निदेव का कपूर रख करके, और ये कपूर मिश्रित इससे हम आवाहन करेंगे गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र तेज नहीं बोला जाता, मन में बोलेंगे स्वाहा। हमारे मातृ पितृ पक्ष के सभी हमारे सातों जनरेशन के सात पीढ़ियों के पितर आए और इस पूजा को यहाँ स्वीकार करें यमुना किनारे। स्वाहा। इस तरह से ये आहुतियां दी हैं हमने, तिल, घी, खीर और कपूर, ये सात आहुतियां हमने दी हैं। और इसके बाद ये हमारे पति देव इन पर आहुतियां चढ़ा रहे हैं, अपने पितरों को बुलाकर पितरों के नाम की आहुतियां। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलकर पितरों की आहुतियां दीजिए, इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और अगली सात पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद देकर जाते हैं। क्या ये घड़े में पानी रखा हुआ है यमुना जी का हमने लाके, अब इसका फाइनली जल से हम सिंचन करके सभी पितृदेवों को विदा करके, हे पितृदेव आप ऊंचे के पितृलोकों में जाएं और अपना आशीर्वाद हमें और हमारे सभी परिवार को देकर जाएं, ऐसी आप प्रार्थना करें पितृदेव से और ऐसे पितरों का तर्पण करें किसी भी जलाशय के किनारे। आप ये देखिए यहाँ तर्पण करने के बाद अब हम यमुना में नौका भ्रमण करने जाएंगे, यहाँ ढेर सारी नौकाएं इंतजार कर रही हैं भक्तों का।